नमस्कार सभी को, जय शंकर। इस समय आपको बता दूं कि मैं हसला दब्बड़ जो कि बिश्ना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहां पर बड़ी चोरी हुई है। 10 तोला सोना जो है इस समय जानकारी मिल पा रही है, चोरों द्वारा यहां पर बड़ा क्राइम को अंजाम दिया गया है। इस समय स्थिति इस घर की आप चेक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से पूरा ये मामला सामने आया है। इस समय आप देख सकते हैं कि घर का सारा सामान किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है और बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। 10 तोला सोना जो बताया जा रहा है इसमें था, ये अलमारी देखिए किस तरीके से तोड़ा गया है। बड़ा क्राइम को जो है अंजाम दिया गया है इस घर में। घर के परिवार काफी ज्यादा टेंशन में है इस समय। घर की स्थिति जो है इस समय देखने को मिल रहा है और देख सकते हैं परिवार के लोग जो है इस समय यहाँ पर किस तरीके से ऐसी अवस्था में है। बड़ा क्राइम को इस घर में अंजाम दिया गया है और स्थिति है घर की जो इस समय आप जेके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। घर के लोग कितने परेशान हैं, किस तरीके से घर की स्थिति ऐसी अवस्था में है, घर के लोग किस तरीके से परेशान हैं, घर की स्थिति ऐसी अवस्था में है। ये सारा सामान एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देखेंगे घर की स्थिति इस समय आप जेके चैनल पेज पे देख रहे हैं। घर की स्थिति इस समय आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से घर की स्थिति है और सारा सामान इस तरीके से ऐसी अवस्था में यहाँ पर है। जो जानकारी मिल पा रही है कि 10 तोला सोना था जो यहाँ से चोरी हुआ है और चोर जो है लेकर जो है रफू चक्कर हो चुके हैं। क्या पूरी वारदात पेश आई है मैं यहाँ के लोकल लोगों से भी बात करूंगा। जहाँ पर घर के लोग देखेंगे पूरा परिवार यहाँ पर है, घर के जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पर हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालू जी। क्या बात है कालू जी? पूरी सर मेरी वाइफ का अल्ट्रासाउंड हुआ, अज अल्ट्रासाउंड करवाने गया मैं अस्पताल। कोई 3 बजे मैं घर आ गया ते 6 बजे से वापस आई घर। 3 to 6 बजे चोरियां हुई इतने घर साढ़े। अच्छा। आड़ियां दखिया थे, लाग लुक टुटे थे सारे। तो कुत्थे गए थे? मैं बिश्नाह गया था कमला हॉस्पिटल। अच्छा। अल्ट्रासाउंड करवा गया मैं अपनी वाइफ दी। कार कौन कौन है? कार कोई नहीं है, कार ताले लाए थे। अच्छा। ते 6 बजे से वापस आए थे, आड़ियां दखिया ये लात हो गई साढ़े घर। 2-10 तोड़ा सोना है बच्चे सारे लाकर लुकर तोड़िए दिखो खोलिए सब ले गए। पुलिस आई है? पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने पूछा, उन्हें दसिया जो भी है जो भी नुकसान हो साड़ा दसिया उन्हें। और भी बड़े सारे आए थे सर, उन्हें सब कुछ सुनाया जो भी होगा। जी जी, क्या नाम है जी? मेरा चंपा देवी है। मैं इसकी बुआ जी। इहदी मां भी ऐनी है बेचारी दी। मैं अपने हथे नाल सारा कुछ बनाया दा, गहने सेट जेड़ा पूरा बनाया दा, मैं अपने हथे बनाए दा, तिहाड़ी लांदा हा, कमेटियां पवाई है मनाड़े कोला मैं बनाए दा। अज तुस दिखो मौका के दिखो, महल्ले दे विच कंध टपी आया, महल्ले दे विच घर जेड़ा 3 बजे चोरी होवे ना, कोदे 2:30-2 बजे हो जावे, चल सारे अंदर बड़े ने, 3-4 बजे केड़ा अंदर बड़े दा, कोई धारा कड्डा दा, कोई पानी पलैन डंगर आवा दा, कोई बाहर जा दा, कोई कुदा जा दा, 4 बजे थोड़ा कोई फिट मारिये सही गया, कोई कुसा ने कंध टपते दिखिया नहीं कुसा ने भी, कला तो कोई आ ही नहीं सकता है अभी। अस आखने गरीब बंदे नफास होना चाहिए अस बेचारे, इहदा कोई तो कोई करना चाहिए मसला हल करना चाहिए। ध्याड़ी लाइए बंदे ने बेचारे ने कहना इना काम किते दा, 10-12 साल हो गया अहें गहने बनाए दे, जदू इहदा ब्याह किता हा जदू बनाए, ब्याह कोला 4 साल पहले बनाए दा, किया पे इहदा रिश्ता करना, बच्चा तेरा रिश्ता करना, तू ध्याड़ी ला दे ते बाकी सारा काम कर दे, गहने कुछ नहीं हो पाने, गहने तू आप होगा। क्या अपील करके पुलिस को लगा? पुलिस की ये करे भी इसको साहब कोई दसो भाई कुछ करो कि गरीबा दी गरीब मार हो जाए दे करने, ये किया हूँ आज किया बनाने ने ना, हूँ आज ऐसी कल परसों तनखा थोई है, वह भी खोर अंदर को नहीं ऐसी रखी दी ना, पैसे है नहीं मिगी पता किन्ने ना, गहने का सेट मिगी पूरा पता, वह मैं अपने हथे बनाया था, अज भी मिगी कोई लिया पर्चिया मेरे कोल ने। और भी है? क्या नाम है आपका? कब पता लगा आपको? मुझे नहीं आती है, बीमार हूँ मैं। आपका सारा ज्वेलरी पर आपका था सारा? मेरे बंदे से पूछ लो।
और भी हैं, लोकल लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान हैं, यहाँ के लोग भी किस तरीके से यहाँ पर परेशान है, जिस तरीके से ऐसी अवस्था में यहाँ पर चोरी हुई है। मैं लोकल लोगों से बात करूँ सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से? सर ये जो एक गरीब घर में चोरी हुई है बड़ी शर्मनाक बात है, मगर मैं ये पुलिस को कहना चाहता हूँ कि इस मसले पे थोड़ा सतर्क हो, चाहे वो नशाखोरी है बिश्नाक की चाहे चोरी है, इन दोनों मामले पे थोड़ा सा पुलिस जो सतर्क हो, चोरी भी रुके और नशाखोरी भी रुके, ताकि ऐसी वारदातें ना हो जैसे अभी ये हरसा दब्बड़ जो बिश्नाक के साथ लगता गांव है वहां पे हुई है। तो मेरा यही कहना है कि पुलिस थोड़ा इस पे सख्ती बरते और जो दोषी पाया जाता उसको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि उसको देख के दूसरा जो है वो भी डरे। सर आप इतनी ऐसी दहशत हो गई चोरों की, चारों तरफ से घर हैं और घर में आकर बड़ा क्राइम को अंजाम देते हैं, अब तो आम लोग भी सेफ नहीं है, पुलिस किस तरीके से संज्ञान ले सकते हैं ऐसे लोगों को? सर हम तो यही मैं पहले भी यही बोल चुका हूँ, हमारी ये रिक्वेस्ट है पुलिस को कि प्लीज पुलिस अपना काम थोड़ा सख्ती से करे, शक में रखे, चाहे जो इस काम के स्तर के हैं जो नामी है उनको पकड़े, पर इस बिश्नाक कांस्टिट्यूंसी में दो बातों पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे। आया हुआ नया सचिव अभी तक हम उनसे मिले नहीं है, मगर मेरा इस मीडिया से उन तक ये मैसेज है कि आप अगर नए अर्जेश सिंह या कोई आए हुए उनको यही है कि अगर आप आए हो तो दो बातों पे ध्यान रखना, नशा और चोरी पे थोड़ा सा इस एरिया को मुक्त करवा देना एक बार। इस समय आपको बता दूं कि मैं हरसा दब्बड़ में हूं जो कि बिश्नाक का अंतर्गत गांव है, यहां पर बड़ी चोरी हुई है, बड़ा क्राइम को अंजाम दिया है चोरों ने। ये सामने ही घर आप देख रहे हैं जहां पर 10 तोला सोना जो है बताया जा रहा है यहां से चोरी हुई है, चोर जो है यहां से लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। घर की स्थिति इस समय आप जेके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, घर के परिवार किस तरीके से यहां पर टेंशन में है, जिस तरीके से यहां पर पूरी घटना पेश आई। एक बार फिर से मैं ये विजुअल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, देखेंगे किस तरीके से तोड़ा गया है अलमारी जो घर वालों का कहना है, और तोड़कर जो ज्वेलरी थी यहां पर सोना की आइटम थी सभी चोर यहां से लेकर रफू चक्कर हो चुके हैं। और बड़ा एक चिंता का विषय है जिस तरीके से ऐसी चोरी की घटनाएं अब गांव इलाके में देखने को मिल रही है, आम लोग किस तरीके से परेशान है, किस तरीके से टेंशन में है, ऐसी अवस्था में जिस तरीके से चोर जो है बड़े क्राइम को अंजाम दे रहे हैं और लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये घर की स्थिति है आप देख रहे हैं, सभी लोग सर क्या अपील करेंगे पुलिस से? आप सर यही अपील है कि जो चोर है उसको पकड़ो, यही बोलना चाहता हूँ मैं बस। देखेंगे जी घर के, आप भी लोकल हैं सर यहाँ के? छोटा भाई हूँ। कुछ है ब्रदर जी? मैं सर मेरी सिस्टर बीमार है, मैं शाला मार सवेरे का उथे, जिन्ना मैं शामी घर आया अगे फोन आई है बड़े भरा का इन गल हुई है चोरी हुई है, खाली उन्दी भरजाई मेरी भी ठीक नहीं है, बड़ा भरा गया बिश्नाक दसन भरजाई अल्ट्रासाउंड 3 बजे 3:30 बजे का नंबर 3 बजे घर ने गए ने, ते जिन्हें अल्ट्रासाउंड कराने गए ना ते पिछू जल्द घर वापस आते 4:45-5 बजे के करीब अगे अलमारी वगैरह सब तोड़ी कपड़े शपड़े सब खरीद लिए चोरी हो गई थी सारी। क्या अपील करके पुलिस जिस तरीके के ना उन घर दोनों शहर तक घर आने घर भी चोर आई है 10 मिनट वास्ते या 20 मिनट वास्ते तुम गए थे इं घटना पे, पुलिस अगे इे गुजारिश कर रहे हैं कि पकड़े जान सारे जेडे भी उन्हें चोरी कराए ना, जेडे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। धन्यवाद। ये भाई थे तो मैं बिश्नाक के हसला दब्बड़ इलाके में हूँ जहाँ पर एक बड़ा क्राइम को अंजाम दिया है चोरों ने, ये घर के लोग किस तरीके से ऐसी अवस्था में यहाँ पर हैं और दुखी हैं इस समय, जिस तरीके से बड़ा मामला यहाँ पर सामने आया है। मैं पुलिस से भी अपील करूंगा बिश्नाक पुलिस स्टेशन से सख्ती से पेश आए, चोर पकड़े जाएं, क्योंकि अब गांव में जिस तरीके से आप देखते थे एक समय था सिटी और बड़े बड़े शहरों में ऐसी चोरी की घटनाएं जो है देखने को मिलती है, अब जो छोटे छोटे गांव हैं जहां पर लोग जो है मात्र किसानी और रोजी रोटी के सहारे ही अपने घर का पालन पोषण करते हैं, ऐसी अवस्था में लोग कितने परेशान है जब गांव में ऐसी घटनाएं बतीत हो रही है, सिटी तो सिटी आम जो गांव छोटे छोटे हैं अब किस तरीके से लोग जो है क्राइम को अंजाम। सर क्या नाम है आपका? अंसराज। सर आप गांव में छोटे छोटे ऐसी जगह पे चोरियां हो रही हैं तो पुलिस किस तरीके से देखेगी इसे और किस तरीके से आप भी मांग रखेंगे कि चोरों को पकड़ा जाए, क्योंकि घर में जिस तरीके से चोरी हुई है दोनों तरफ से घर हैं लेकिन अब पता नहीं लगा किसी को, क्या पता क्या बता सकते हैं, ये तो टाइम टेबल कोई घर के नजदीक का कोई जानी जान है। अच्छा। इसको पता था कि 3 बजे ये घर में
मतलब घर से गया जी। 3 बजे गया तो 3:30 बजे इनकी अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल की, तो 4:30 बजे तकरीबन उधर से वापस आया। आकर देखा तो उसने ये तब ताले खुले हुए थे, सब कुछ ताले खुले हुए, तो ले गया, गोल्ड ही लिया था, नकद कैश नहीं। हरसा दब्बड़ बिश्नाह क्षेत्र का इलाका जहां पर बड़ी चोरी हुई है, 10 तोला सोना बताया जा रहा है, और पुलिस यहां पर मौके पर आई थी। और मैं पुलिस से भी अपील करूंगा पूरी तहकीकात की जाए और सामान का रिकवर कर दिया जाए, जिस तरीके से चोरी की घटनाएं जो है गांव में देखने को मिल रही है, काफी ज्यादा लोग जो है जनता परेशान है। वीडियो को ज्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय श्री।